उपायोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो भी दस्तावेज 2019 लोकसभा चुनाव से संबंधित हैं उसे नष्ट न किया जाए। आपको बता दें कि हंसराज हंस पर गलत जानकारी देने का आरोप है। हंसराज हंस पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में पत्नी पर 2.5 करोड़ का कर्जा होने की बात कही थी, जो बिल्कुल गलत है। यही नहीं, अपनी एजुकेशन यानी कि अपनी पढ़ाई को लेकर भी उन्होंने हलफनामे में गलत जानकारी दी थी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने हंसराज हंस को नोटिस जारी किया। साथ ही चुनाव आयोग को भी कहा गया है कि हंसराज हंस के चुनाव से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, जो उन्होंने इलेक्शन के समय नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान जो दस्तावेज जमा किए थे, उनको अभी सुरक्षित रखा जाए, उनको नष्ट न किया जाए। हंसराज हंस पर आरोप है कि उन्होंने गलत जानकारी दी थी। पत्नी पर 2.5 करोड़ का कर्ज होने की बात उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में लिखी थी, जिसको गलत कहा जा रहा है। साथ ही साथ उन पर यह भी आरोप है कि अपनी एजुकेशन से संबंधित भी गलत जानकारी इस हलफनामे में उन्होंने दी थी। और बात करते हैं कांग्रेस में मची खलबली की।